Welcome to the another Do Facts video. बाहुबली द बिगनिंग की सक्सेस के बाद साउथ इंडिया फिल्म्स को भी पैन इंडिया रिलीज किया जाने लगा, बट किसी भी फिल्म्स के लिए ऑडियंस उस तरह से एक्साइटेड नहीं हो पाई जैसे बाहुबली के लिए हुई थी। पर केजीएफ चैप्टर 1 के रिलीज होने के बाद एक बार फिर से ऑडियंस में वही एक्साइटमेंट देखने मिल रही है। जब केजीएफ चैप्टर 1 का ट्रेलर आया था तभी सबको पता चल गया था कि ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, और केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उससे ऑडियंस के एक्साइटमेंट का साफ पता चलता है। आज इस वीडियो में हम आपको केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। वेरी सिंपल है यार, हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं वो भी वही कैमरा यूज करते हैं, हम लोग जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वही करते हैं। इट्स जस्ट दैट द वे वी एग्जीक्यूट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो मुझे क्या लगता है, लेट्स नॉट कम्पीट विद इन आवरसेल्फ, लेट्स कम्पीट विद वर्ल्ड सिनेमा। सो आपसे अब हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, केजीएफ का फुल फॉर्म कोलार गोल्डफील्ड्स है। ये पूरी तरह से एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन नील ने थोड़ा सा कोलार फील्ड का रेफरेंस लेकर इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी में 1950s से लेकर 1980s का पिक्चराइजेशन बहुत ही बड़े लेवल पर दिखाया गया है। नंबर 2, केजीएफ मूवी की स्टोरी कोलार माइन में निकली सोने की खदान पर बेस्ड है। कोलार फील्ड कर्नाटका में कोलार में एक रियल जगह है। यह जगह बैंगलोर से करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर सोने की काफी खदानें भी हैं। करीब 121 साल पहले यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग की जाती थी। नंबर 3, केजीएफ मूवी की शूटिंग कोलार फील्ड में की गई है। यहाँ पर साइनाइड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए हैं। दरअसल जब माइन से गोल्ड निकाला जाता था तब साइनाइड का यूज करके केमिकल प्रोसेस की जाती थी। इस प्रोसेस में साइनाइड का काफी नुकसान होता है, ये काफी जहरीला भी होता है। इसका इफेक्ट एनवायरमेंट पर भी पड़ता है। फिल्म की शूटिंग साइनाइड के पहाड़ों के बीच की गई, जिससे शूटिंग में काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। हवा चलने पर साइनाइड के धूल ना उड़े इसीलिए भी बहुत सारा पानी का भी यूज किया गया। नंबर 4, केजीएफ मूवी में कोलार फील्ड जो कि अभी बंद पड़ा है उसमें केजीएफ के लिए एकदम रियल सेट बनाया गया, और इसे बड़ा दिखाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स का भी यूज किया गया है। नंबर 5, आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि केजीएफ मूवी का बजट 80 करोड़ था, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, केजीएफ ऐसी फर्स्ट मूवी है जो बॉलीवुड में 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 250 करोड़ का रिकॉर्ड्स बनाते हुए हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म बन गई। नंबर 6, केजीएफ मूवी ने 66 फिल्मफेयर अवार्ड में 5 नॉमिनेशन में से 2 अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट एक्शन और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स अवार्ड शामिल है। ये मूवी बेस्ट मूवी के लिए नॉमिनेटेड है, और इस मूवी के लीड एक्टर यश बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। इस मूवी ने कर्नाटका से करीबन 134 करोड़ का कलेक्शन किया। नंबर 7, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कार्तिक गौड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, केजीएफ विच इज सेट इन द 70s टुक ओवर 1.5 इयर्स ऑफ रीप्रोडक्शन बिकॉज दे वांटेड टू एंश्योर दे गॉट एवरी सिंगल डिटेल राइट, बी इट द मैच बॉक्सेस, टेलीफोन और द क्लोथ्स पीपल वोर। नंबर 8, केजीएफ मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह 2 पार्ट्स में प्लान्ड है। इसे नील ने फर्स्ट पार्ट की रिलीज होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। नील ने कहा, द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट इज ह्यूज एंड वी हैड अ स्कोप फॉर अ बिगिनिंग एंड इंटरवल एंड एन एंड फॉर बोथ पार्ट्स, सो इट मेड सेंस फॉर अस टू रिलीज इट एज 2 पार्ट्स। नंबर 9, केजीएफ चैप्टर 1 रिकॉर्ड रिलीज के बाद जब केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज की बातें चल रही हैं, तब इस मूवी के थर्ड इंस्टॉलमेंट इन फ्रेंचाइज की र्यूमर्स ने लोगों को बहुत कंफ्यूज्ड किया। इस पे प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि इस मूवी का एंड सेकंड चैप्टर में ही होगा। नंबर 10, केजीएफ चैप्टर 1 की लीड एक्टर श्रीनिधि की डेब्यू मूवी थी। इस मूवी में गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले रामचंद्र राजू ने भी अपना करियर इसी मूवी से स्टार्ट किया, और इनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया। नंबर 11, केजीएफ चैप्टर 1 के एक आइटम सॉन्ग में यश के साथ एक्ट्रेस तमन्ना नजर आई। वहीं इसके हिंदी डब्ड वर्जन में यश के साथ मोनी रॉय ने गली गली में फिरता है पर आइटम सॉन्ग किया, जो कि 1989 के त्रिदेव मूवी का एक सॉन्ग का रीमेक है। नंबर 12, केजीएफ चैप्टर की राइटिंग से फिल्म प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में 3 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। इस मूवी की स्क्रीन प्ले राइटिंग में नील को 2 साल लग गए थे। इस मूवी की स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, पिक्चराइजेशन और एडिटिंग काफी यूनिक है, ऐसे इंडियन फिल्म्स में बहुत ही कम देखने को ही मिलता है। नंबर 13, यश एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस मूवी में क्या हैं, एक हीरो या विलन। इस पे यश ने बताया कि जैसा हर इंसान में कुछ पॉजिटिव साइड और कुछ नेगेटिव साइड होती है, वैसे ही इस मूवी का तो सबसे बड़ा विलन मैं ही हूँ और हीरो भी मैं हूँ। So you guys will be surprised if I say this, I am the biggest villain in KGF. यश ने आगे कहा कि इस मूवी में एक जबरदस्त डायलॉग भी है, दुनिया सिर्फ 2 तरह के लोगों को याद करती है, एक जो पैदा करता है और दूसरा जो डर मिटाता है। सो माई कैरेक्टर इज समथिंग लाइक दैट।
कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। नंबर 14, KGF चैप्टर 1 मूवी एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था। इस मूवी को कन्नड़ा के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। नंबर 15, KGF के लिए म्यूजिक रवि बसरूर ने दिया है। जहां मूवी में किसी सीन में एक्टिंग इतनी डीप नहीं भी हो, पर इसके म्यूजिक ने पब्लिक को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इस मूवी में जब भी रॉकी की मदर को दिखाया गया है, तब एक म्यूजिक प्ले होता है जिसका इम्पैक्ट काफी डीप है। नंबर 16, KGF की सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। पूरी मूवी में येलो एंड ग्रे टेक्सचर दिखाया गया है, येलो कलर गोल्ड को और वही डार्क ग्रे कलर कैरेक्टर्स के ग्रीड को और उस पे पड़ने वाले अंधेरे को दिखाता है। नंबर 17, KGF मूवी कोलार गोल्ड फील्ड्स में शूट हुई है, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है। सेम वही हालत उस मूवी की शूटिंग पर थे। मूवी की शूटिंग में 800 जूनियर आर्टिस्ट थे और शूटिंग 10 दिन से ज्यादा नहीं चल पाती थी, क्योंकि वहां गर्मी और धूल की वजह से लोग बीमार पड़ने लग गए। फिल्म की शूटिंग शोल्डर होल्ड कैमरा पर हुई, जिसका वेट अराउंड 40 kg होता है और कभी कभी इससे ज्यादा भी। नंबर 18, KGF मूवी के तेलुगु, मलयालम और तमिल वर्जन के ऑडियो राइट्स को कनाडा के लहारी म्यूजिक ने 3.6 करोड़ में परचेज किया, जो कि किसी भी साउथ इंडियन मूवी में एक रिकॉर्ड है। वहीं इसके हिंदी वर्जन के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीदे। नंबर 19, KGF मूवी को पूरे वर्ल्ड में टोटल 2460 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें हिंदी के 1500 स्क्रीन्स में से 71 स्क्रीन्स पाकिस्तान में रिलीज किए गए। ये पहली कनाडा मूवी थी जिसे पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया था। नंबर 20, KGF में गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले रामचंद्र राजू रियल लाइफ में 12 साल तक यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। नंबर 21, KGF चैप्टर 2 के लिए संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा, इस मूवी में उनका रोल एवेंजर एंडगेम के विलन थानोस के जैसा होगा, बट जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होती तब तक ये सिर्फ एक बात ही कही जाएगी। अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो थानोस, अगर आपने थानोस को देखा है तो आधीरा वैसा ही है। नंबर 22, KGF चैप्टर 1 ने सस्पेंस को बरकरार रखते हुए गरुड़ा को मारने की कहानी बताई गई है, लेकिन आगे क्या होगा ये KGF चैप्टर 2 में पता चलेगा। ऐसे सस्पेंस की वजह से लोग सेकंड चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 23, यश ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो संजय दत्त से काफी इंस्पायर होते हैं। यश का कहना है कि संजय दत्त की फिजिकल अपीयरेंस, इमेज और लेगेसी से संजय दत्त एक वंडरफुल और एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। नंबर 24, KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त ने अधीरा का रोल प्ले किया है। मूवी में एक कैरेक्टर काफी स्केरी दिखाया गया है। संजय दत्त का कहना है कि उनको ऐसा रोल प्ले करने की बड़ी इच्छा थी और मेकर्स ने संजय दत्त को कास्ट करके कोई मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि संजय दत्त से बेटर चॉइस उस रोल के लिए और कोई हो भी नहीं सकता। चैप्टर 2 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इस मूवी में रमिका सेन का रोल प्ले करने वाली है। नंबर 25, KGF के प्रोड्यूसर विजय करागंडूर ने ट्विटर में पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि KGF चैप्टर 2 में प्रकाश राज मूवी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जिसके बाद बहुत से सोशल मीडिया यूजर जिनमें मूवी के लिए काफी एंथुजियास्ट था, जिन्होंने इसे सपोर्ट कर ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया, एक्टर प्रकाश राज की एंट्री पर काफी डिसअपॉइंट हुए। इस मूवी पर एक फैन ने कहा, वी विल नॉट वॉच बिकॉज ऑफ दिस क्रिएचर इन दिस मूवी। इसके अलावा एक और यूजर ने कॉमेंट किया, डियर प्रशांत नील अन्ना, प्लीज रिमूव कोर एक्टर प्रकाश राज फ्रॉम KGF चैप्टर 2 और be ready to face negative consequences. नंबर 26, KGF चैप्टर 2 का फर्स्ट लुक जो है वो चैप्टर 1 का कनेक्टिंग पॉइंट है। इस बारे में डायरेक्टर नील का कहना है, थ्रू द फर्स्ट लुक वी हैव पुट आउट अ लिटिल पोर्शन ऑफ व्हाट द सीक्वल इज अबाउट। दिस इज नॉट द एंटायर स्टोरी। द फर्स्ट लुक ऑफ KGF चैप्टर 2 इज कनेक्टिंग पॉइंट टू KGF चैप्टर 1. नंबर 27, KGF चैप्टर 2 का मूवी का बजट 100 करोड़ है। KGF 2 का क्लाइमैक्स एक्शन सीन्स दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फिल्म किया गया। इसको अमरावी में कोरियोग्राफ किया। 20 दिसंबर 2020 को फिल्म मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, इट्स टाइम टू एंड द वीडियो हियर। वी होप आप सारे KGF फैंस को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हम कोई फैक्ट मिस कर रहे हैं तो फील फ्री टू जॉइन अस इन द कमेंट बॉक्स। आप भी अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द डुओ फैक्ट।